फिल्म हिमालय की गोद में का एक गीत याद दिलाना चाहूंगा। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बालमां तू बड़ा वो है, जालिमां तू बड़ा वो है। इस गीत की इंस्पिरेशन आनंद जी भाई को मिली थी जब वो दातून खरीदने बाजार गए। ये तब की बात है जब कल्याण जी आनंद जी मुंबई के गिरगांव इलाके में रहते थे। पिताजी को दातून करने की आदत थी। एक दिन पिताजी ने बेटे आनंद से कहा कि जाकर दातून खरीद लाओ। पिताजी अक्सर ये काम आनंद से ही करवाते थे और उनका कहना था कि जो दातून अच्छी खरीद के लाए वो समझदार होता है। खैर, आनंद जी जब बाजार पहुंचे तो देखा एक खूबसूरत सी लड़की दातून बेच रही है। आनंद जी उसके पास पहुंच गए, मोल भाव किया, दातून खरीद कर उसे टुकड़ों में काटने को कहा। अब वो लड़की दातून के टुकड़े करते हुए पास में पड़ी कंकड़ी उठाती और थोड़ी दूर बैठे एक दातून वाले लड़के को मारती रहती। वो कई बार ऐसा करती रही। लड़का गुस्से में कहता रहा, ये क्या कर रही है तू, क्यों सता रही है? तो लड़की उसे एक और कंकड़ी मारकर जवाब देती, तू भी मारना। आनंद जी को इसमें रोमांस का एक नया एंगल दिख गया। उनके दिमाग में तुरंत एक लाइन आई, कंकरिया मार के सताया। बाजार से दातून लेकर आनंद जी घर आए और मुखड़े की धुन फटाफट तैयार की ताकि जब भी जरूरत पड़े इसे लिखवा कर किसी फिल्म में डाल दें। और यह मौका उन्हें मिला सन 1965 की फिल्म जिसका टाइटल था हिमालय की गोद में। इस गीत को शब्द दिए आनंद बख्शी ने और आवाज दी लता मंगेशकर ने। इस गीत को सुनवाने से पहले आप सबसे आज इजाजत चाहूंगा। आज के सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम और कल फिर आकर हिंदी फिल्मों के कुछ और गीत और कहे अनकहे किस्से सुनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।